नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है आप लोग बहुत ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हो, मोनोलॉग्स का इंतजार कर रहे हो, कब मुंबई आना है। सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार है ना दोस्तों? अच्छी बात है। मुझे बहुत से डीएम्स मिले हैं, बहुत से व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस मिले हैं, बहुत से लोगों ने तो अपने ऑडिशन लिंक भी भेज दिए। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात तो कहूँगा, मेरी चैनल को नीचे जो आ रहा है लोगों, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ एक बात भी, मेरी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब की होगी उन्हीं के ऑडिशन लिंक मैं लूँगा। और जो भी हमारे मित्र है वीरेंद्र पीलीभीती जी, उन्होंने भी कहा है कि आपके ऑडिशन, आपके जो भी मित्र है या तो आपके जो भी सब्सक्राइबर है, नए नए कलाकार है, उनको वो चांस देंगे। तो उनको क्या है, नई नई प्रतिमा को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि नए लोग जो होते हैं उनमें जोश होता है, सही में काम करते। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं इस बात में आपके उसके लिए निमित्त बना हूँ, आप लोगों को लाइमलाइट में, यानी लाइमलाइट में तो मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाने का। तो रंगीन रहेगा यही मोटो रहता है कि अच्छे लोग, अच्छे कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते। मुझे दो तीन लोगों ने पूछा है कि सर हम आ तो जाएंगे, ऑडिशन भी देंगे, मुंबई में भी रहेंगे, लेकिन मुंबई में रहने के लिए कहाँ अच्छी जगह है, कहाँ सस्ती जगह है, क्योंकि अभी तो हमें नज़दीक भी हो, ऑडिशन देने के लिए भी अच्छा हो, और जो ऑडिशन देने के लिए जगह भी नज़दीक हो, वैसी जगह बताइए। तो यहाँ पे तो बहुत सी ऐसी जगह है, जैसे अभी तो कोरोना का भी थोड़ा माइल्ड हो गया है, तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं, लेकिन अपने प्रिकॉशंस तो रखना ज़रूरी है। और दोस्तों एक दूसरी बात भी है कि मुंबई में तो रहने के लिए मीरा रोड है, कांदिवली है, मलाड है, गोरेगांव है, जोगेश्वरी है, वर्सोवा भी है। वर्सोवा में भी बहुत से सस्ते मिल जाते हैं पेइंग गेस्ट रहने के लिए। तो अगर आप तीन चार लोग साथ में हो तो साथ में रह सकते हो। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुंबई आके दो तीन दिन जरा घूमोगे तो आपको अच्छी सी जगह मिलेगी, अपने पॉकेट के हिसाब से आप रह सकते हो। दोस्तों आने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने के बाद आपको घूमना भी पड़ेगा, ट्रैवलिंग भी होगा, जो भी होगा उसके लिए भी प्रिकॉशंस रखिएगा और उतना अमाउंट रखिएगा कि आपको भाड़ा भी देना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, खाने में भी खर्च होगा, ट्रैवलिंग भी होगा, ऑडिशंस के लिए जाना पड़ेगा। और मुंबई में ये जो जो आपको मैं मोनोलॉग्स दूंगा, वो मोनोलॉग्स को आप तैयार करके भेजिएगा मेरी तरफ, मैं जो जीमेल आईडी दूंगा उस पर आप भेजिएगा, और उसके बाद उसमें से हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, और शॉर्ट आउट करने के बाद आपको वेब सीरीज, छोटी फिल्में, शॉर्ट फिल्म जो भी है, और वेब सीरीज भी है, फिल्में भी है, और टीवी के शोज भी है, तो उसमें आपको काम मिलेगा। और उसके लिए हम मुंबई बुलाएंगे आप लोगों को, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को मुंबई बुलाएंगे, और उसके बाद आपका नसीब अच्छा होगा तो आपको काम मिलेगा। तो बहुत से लोगों के यही प्रॉब्लम होते हैं कि हम मुंबई में आके रहेंगे का, बहुत बड़ा शहर है भाई मुंबई, तो आपको गले लगाने तैयार है, कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन इतना अच्छा है कि आप जैसे अंधेरी या वर्सोवा में जहाँ पे ऑडिशन ज़्यादा होते तो वहाँ के नज़दीक ही रहो तो अच्छा रहता है, यानी ट्रैवलिंग में पैसे भी खर्च कम हो गए और आप आने जाने में भी सुविधा रहेगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो हर तैयारी होगी, और मेरी रंगीन राह की तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि अपने अच्छे कलाकारों को हमें मिले। तो वीरेंद्र जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपके जो भी अच्छे कलाकार हो वो भी चाहते हैं कि नए लोगों को चांस मिले, नए लोग में अच्छी प्रतिभाएं होती है, मुंबई में भी रहती है, मुंबई के अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता या तो उनको रास्ते नहीं मालूम होते। तो दोस्तों रंगीन राह का यही एक मोटो है कि अच्छे कलाकार मिले बॉलीवुड में, अच्छे कलाकार आए, अच्छे लोग आए, अच्छे पढ़े लिखे इंसान आए। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो भी होगा मैं करने तैयार हूँ, तो सिर्फ आप, मैं जो भी मोनोलॉग्स भेजूँगा वो आप तैयार करके भेजिए, उसमें आप अपने नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ हो तो आपको मालूम है कैसे ऑडिशन भेजना है, आपका मोबाइल नंबर, हाइट, वाइट जो भी है, सब एज ये सब लिख करके ऑडिशन भेज दीजिएगा। और जैसे भी मुझे आएंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने पूछा था इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो दोस्तों हो जाइए शुरू, इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।